शहर के जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के समर्थन में नहीं, वे नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के पक्ष में है। उनका कहना है कि लॉकडाउन घोषित करने से ज्यादा बेहतर होगा कि मौजूदा नियमों के कड़ाई से अमल किया जाए। जिले के ग्रामीण भागों में अब कोविड 19 के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। कन्हान, कामठी, हिंगना तहसीलों में इसके मरीज बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं। ग्रामीण भाग में विकास का केंद्र माने जाने वाले जिला परिषद में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक पत्र भेजा। इसमें कहा कि वे जिस जांच एजेंसी के मार्फत ऑडियो क्लिप की जांच कराना चाहते हैं, वे इसके लिए तैयार है। श्री गणेश उत्सव के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष है। बावजूद इसके राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से अब गणेश प्रतिमाओं की बिक्री और बाजार व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से पारंपरिक मूर्तिकारों में दुविधा की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थिति में सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेकर उन्हें घोषित करने की मांग प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति विरोधी कृति समिति ने महापौर से की। कोविड 19 के प्रकोप के दौरान प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली शहर पुलिस ने महज 71 दिनों में 68,427 प्रतिबंधक कार्रवाई की है। नागपुर जिले में कोविड 19 से मौत के मामले बढ़ने लगे हैं। रविवार को 6 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 83 और पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 53 और संक्रमितों की संख्या 2,959 हो चुकी है। पिछले 15 दिनों से पुलिस को चकमा देते हुए घूम रहा साहिल सैयद अतः पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच ने रविवार की शाम झिंगाबाई टाकले स्थित घर से गिरफ्तार किया है। साहिल के पकड़े जाने से कई मामलों का खुलासा हो सकता है। नागपुर में रविवार की दोपहर झमाझम बारिश, इसके बाद बादल छटने और हवा थमने से उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। रात 8:30 बजे तक नागपुर में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। कलमना गुलमोहर नगर में पुलिया से गिरकर एक 10 वर्षीय बालक नाले में बह गया। यह हादसा रविवार की दोपहर 2 बजे हुआ। यह बालक शीतला माता मंदिर के पास गुलमोहर नगर निवासी नेहल शेखर मेशराम है। शहर सहित जिले के विकास में जुड़ी बैठक में आमंत्रित न किए जाने से भाजपा के विधायक नाराज है। उनका आरोप है कि पालक मंत्री नितिन राउत ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इसे लेकर पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने उनके खिलाफ विशेषाधिकारी हनन का प्रस्ताव लाने वाले हैं।